तो आज की रेसिपी की खास बात यह है कि इस रेसिपी को मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी और खाने में बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है ना, वो है अरवी के पत्ते की रेसिपी, जिसे मैं दो तरीके से बताने जा रही हूँ। दोनों में से कोई भी तरीका बनाओगे खाने में उतनी ही अच्छी लगेगी, बस तरीका अलग है, खाने में बहुत टेस्टी बहुत यमी लगेगी। तो चलते हैं पहले गार्डन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे गार्डन में बहुत सारे अरवी के पत्ते बड़े बड़े हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं कट कर लूँ और इसकी कुछ रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पे 20 से 25 पत्ते को कट कर लिया और इसे अच्छे से हम लोग पानी से, 3-4 पानी से हम लोग वॉश कर लिया और एक बाउल में हमने रख लिया। दूसरे बाउल में हमने 150 ग्राम चावल को, यानी कि अरवा चावल को हमने धो के और 5 से 6 घंटे के लिए उसे सोक कर लिया था, और अच्छे से जब वो सोक हो गया तो मिक्सर जार में मैंने इसे बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है और वो सारे पेस्ट को मैंने इस बाउल में डाल लिया है। 1/2 कप बेसन हमने लिया था, जिसमें 4 टेबलस्पून बेसन हमने रहने दिया है, और यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिया है। फ्रेंड्स, अरवी के पत्ते की पकौड़ी की खास बात ये है कि इसमें आपको मैंगो पिकल या फिर आमचूर का पाउडर इसमें डालना होता है। तो मैंने यहाँ पे मैंगो का पिकल यानी आम का अचार एक यहाँ पे लिया है और उसके मसाले भी हमने यहाँ पे लिए हैं। और इस पकौड़ी की खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ज़्यादा अमाउंट में पड़ती है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक काली मिर्च और जीरा का पेस्ट हमने तैयार किया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और सारे मिक्स को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। तो यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रिवन की जैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी को मैं ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर रही हूँ। मुझे नमक और मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर से मैंने 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक मैंने स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल के थोड़े से पानी और ऐड किया है। जैसा कि आप देख सकते हो 4 टेबलस्पून हमारा बेसन वहाँ पे बच गया था, क्योंकि हमारी जो मिक्स मैं जो तैयार कर रही हूँ ये परफेक्ट बन के तैयार हो गई थी। अगर आपको लगे तो आप इसमें 2-4 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने बड़ा वाला प्लेट लिया है और पहला तरीका ये है कि मैं इसे स्टीम्ड करूँगी, इस पकौड़ी को मैं स्टीम्ड करूँगी। तो उसके लिए पहले बड़ा वाला पत्ता को लेना है और इसमें इस बैटर को अपने हाथों की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से फैला देना है। इसी प्रोसेस को आप फिर से करोगे, उसके ऊपर फिर से पत्ता लगाना है। तो स्टीम्ड में क्या होती है ना फ्रेंड्स, कि जो ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ इसमें पत्ते कम लगाए जाते हैं, क्योंकि वो स्टीम्ड करना होता है। और दूसरा तरीका मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, उसके लिए पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 6 से 7 या फिर 8 पत्ते को मैंने इसी तरह रखा है और बैटर को इसमें लगा दिया है। और ये जो स्टीम्ड पकौड़ी जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, पहले स्टीम्ड करना होता है, उसके बाद उसे आप ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में या फिर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में जब आप बनाओगे तो वो पकौड़ी बहुत ही सुपर क्रिस्प बन के तैयार होती है। स्टीम्ड पकौड़ी की ये खास बात होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो पत्ते थी उसमें मैंने अच्छे से ये चावल का और बेसन का पेस्ट जो हमने तैयार किया था अच्छे से हमने कोट कर लिया और साइड से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। जब ये अच्छे से फोल्ड हो गया है तो फिर से मैंने इसे लंबाई आकार में लिया है और फिर से यहाँ छोटे छोटे राउंड में करते यहाँ पे जा रही हूँ और बीच बीच में वही पेस्ट को मैं लगाते जा रही हूँ ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से वो चिपक जाए, खुले नहीं। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिर से पेस्ट लगाया है और यहाँ पे मैं राउंड करती जा रही हूँ और लास्ट में अच्छे से मैंने इसे कवर कर दिया है और ऊपर से भी जो बैटर है उससे भी अच्छे से हमने कोट कर दिया है। और ये देखिए सारे पत्ते अच्छे से एक दूसरे में चिपक गए हैं और अच्छे से फोल्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे चाहो फ्रेंड्स तो आप टूथपिक या फिर धागे से इसे आप बांध के सील कर सकते हो ताकि स्टीम्ड करने के टाइम में कोई तरह का दिक्कत नहीं आए। जैसे कि
कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि खुले नहीं। तो पहला हमारा यहाँ पे तैयार हो गया था जो मैं स्टीम्ड करूँगी, इसी तरह से मैंने दूसरे को भी मैंने तैयार किया था बाद में। अब ये जो मैं बना रही हूँ इसे मैं नॉर्मल पानी में ही पकाऊँगी, ये दूसरा तरीका है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने बड़े वाले दो अरवी के पत्ते को नीचे रखा है, उसके ऊपर छोटे छोटे या फिर मीडियम साइज के जितने भी पत्ते हैं उसके ऊपर मैं रखती जा रही हूँ, और ये जो पेस्ट है उसे मैं अच्छे से यहाँ पे कोट करती जा रही हूँ। और ये जो पानी में जब आप अरवी के पत्ते को जो आप इसे राउंड करके पकाओगे, तो इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें आप 10 से 12 या 15 पत्ते भी आप इसमें ऐड कर दो और अच्छे से कोट करके और इसे सील करके जब आप पानी में पकाते हो तो ये पक जाती है। यही दोनों अंतर इसमें होता है। और ये जो होता है फ्रेंड्स ऊपर से क्रिस्प, यानी कि जब आप इसे फ्राई करते हो तो ऊपर से क्रिस्प और अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। तो पर्सनली मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, ये जो पानी में पका के जो अरवी के पत्ते की पकौड़ी मैं बनाऊंगी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो स्टीम्ड करके मैं जो बना रही हूँ वो हमारे हस्बैंड को और हमारी बेटी को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने दोनों तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये जो पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ ये हमारी मायके की रेसिपी है, और वो हमारा खुद का रेसिपी है, और ससुराल में किस तरह से बनाई जाती है वो भी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जैसे मैंने पहले वाले अरवी के पत्ते को राउंड किया था उसी तरह से मैंने दूसरे पत्ते को भी जो मैंने यहाँ पे तैयार किया है उसे भी मैंने इसी तरह से राउंड कर लिया है। और ये पानी में जाएगी फ्रेंड्स, तो इसे मैंने वाइट धागा लीजिएगा, कोई भी कलरफुल यहाँ पे धागा मत लीजिएगा, और दोनों तरफ से अच्छे से इसे सील कर देना है, यानी अच्छे से इसे गांठ से बांध देना होता है ताकि ये पानी में जाने के बाद इसका जो रोल है वो खुले नहीं। इसलिए ये जो कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। और जो मैं स्टीम्ड करने के लिए जो आपको बताई थी वो दो मैंने यहाँ पे रोल तैयार किया। और यहाँ पे फ्रेंड जो छोटे छोटे पत्ते हमारे बच गए थे गार्डन में वो भी मैंने यहाँ पे ले आई थी, और इसकी मैं बनाऊंगी सब्जी, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने टूथपिक इसे इस रोल में यानी अरवी के पत्ते के रोल में मैंने इंसर्ट कर दिया है ताकि ये स्टीम्ड करने के प्रोसेस में भी ये खुले नहीं, बहुत ही अच्छे से ये सील हो जाए। और यहाँ पे मैंने पानी यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप, और ऊपर से हमने जाली वाली जो प्लेट होती है वो हमने ले लिया है। और जैसे पानी हल्का सा गर्म हो गया था तो मैं यहाँ पे दो अरवी के पत्ते के रोल को मैंने रख दिया है, और इसकी लीड को हमने लगा दिया है। हर 7 मिनट पर मैं इसे अलट पलट करूँगी। तो यहाँ पे 7 मिनट हो गए थे, लीड को हमने हटा दिया, और ये देखिए स्पून की हेल्प से या फिर स्पेचुला की हेल्प से इसे आप यहाँ पे पलट दीजिएगा, और फिर जो पलटे हुए भाग है उसे भी आपको 7 मिनट तक पकाना है। तकरीबन इसे पकने में 12 से 15 मिनट लग जाती है फ्रेंड्स। और ये देखिए लीड को हमने लगा के फिर से 7 मिनट के लिए रहने दिया, फिर लीड को हटाया, और ये देखिए नाइफ को जो हमने इंसर्ट किया है तो मुझे लग रही थी कि ये थोड़ी सी और पकेगी, तो फिर से मैंने इसे पलट दिया है और फिर से हमने लीड को लगा दिया है। बीच बीच में फ्रेंड्स जो नेट के नीचे जो आप कढ़ाई रखे हो या फिर भगोना रखे हो उसमें पानी चेक करते रहना है, पानी है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप उसमें गुनगुना पानी आप या फिर गर्म पानी डाल दीजिएगा। फिर से मैंने यहाँ पे लीड को लगाया और 7 से 8 मिनट के बाद फिर से हटाया। उसके बाद देखिए जब मैंने नाइफ को यहाँ इंसर्ट किया है तो ये अच्छे से ये पक चुका था, तो मैंने इसे जो दोनों हमारे जो अरवी के पत्ते के रोल थे मैंने एक सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लिया है, और इसे अच्छे से हमने ठंडा करना है, उसके बाद कट करना है। दूसरा प्रोसेस यानी हमारी मायके की जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारी मम्मी कढ़ाई में अपने अकॉर्डिंग पानी यहाँ पे डाल लेती हैं, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी यहाँ पे ऐड किया है। पानी जैसे ही गर्म हो गया था, मतलब हल्का गर्म हो गया था, तो वो जो हमारे अरवी के पत्ते के रोल थे मैंने उसमें डाल के लीड को लगा दिया है। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा है, और पहले वाले जो प्रोसेस है उसमें फ्लेम को आप लो रखिएगा क्योंकि वो स्टीम्ड करना है फ्रेंड्स, तो वो लो फ्लेम पे अच्छे से पकती है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है, इसे 10
मिनट के लिए इसी तरह से मैंने रहने दिया है। 10 मिनट के बाद फिर से मैंने लीड को हटाया है और ये देखिए इसे मैंने पलट दिया, यानी कि जितना पानी है वो सारे पानी इसमें सोक हो जाने चाहिए और ये देखिए सारे पानी इसमें सोक हो गए और ये हमारे अरवी का पत्ता यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। और ये देखिए जो दाहिनी तरफ दोनों है वो स्टीम्ड किया हुआ है जिसमें हमने टूथपिक इंसर्ट किया था, और जो बाएं तरफ है जो धागे से बंधा हुआ है उसे मैंने पानी में पकाया था। दोनों में कुछ खास अंतर आपको नहीं लगेगी फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल, बट जब इसे आप बनाओगे तो थोड़ा सा अंतर तो लगता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टीम्ड वाले पूरे क्रिस्प रहेंगे वो अंदर से भी और बाहर से भी, और जो पानी में आपने जो पकाया है वो ऊपर से क्रिस्प बट अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, बस यही खास अंतर है। और ये देखिए दोनों तरीके का पकौड़ी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। और इस पकौड़ी की खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसे आप रोटी चावल या फिर ऐसे भी खाओगे बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए मैंने इसे छोटे छोटे पीसेज में हमने कट कर लिया है और इसकी जो धागे थी वो हमने निकाल लिया है, तो जैसे कि टूथपिक हमने निकाला था वैसे ही हमने धागे को भी वहाँ से निकाल लिया है और ये सारे पीसेज हमने कट कर लिए हैं। इसे एक बाउल में हमने रख दिया है और अब चलते हैं इस पकौड़ी को आप सेलो फ्राई या फिर आप डीप फ्राई या फिर एयर फ्रायर में भी आप इसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई करूँगी, तो मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ले लिया है और यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं पहले डाल रही हूँ वो स्टीम्ड वाले हैं, यानी चार मैंने स्टीम्ड वाली पकौड़ी इसमें डाल दी है और जस्ट उसके बाद मैं जो डाल रही हूँ वो तीन पकौड़ी जो है वो पानी में हमने जो पकाए थे वो है। तो मैंने एक ही बैचेस में यहाँ पे दोनों जो हमारी पकौड़ी थी वो मैंने इसमें डाल दी थी और इसे हमने पलट पलट करना शुरू किया है। और ये देखिए एक साइड यहाँ पे ये ब्राउन हो चुकी थी तो मैंने इसे पलट दिया। और स्टीम्ड वाली जो पकौड़ी है ना फ्रेंड्स वो थोड़ी सी पहले पक जाती है वो पकौड़ी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आप पानी में पका रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा जल्दी यहाँ पक जाती है ऑयल में। और ये देखिए हमारी स्टीम्ड पकौड़ी अच्छे से सुपर क्रिस्प यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, जो हमारे हस्बैंड और हमारी बेटी को बहुत पसंद है। और वो वाली जो पकौड़ी है जो मुझे पर्सनली पसंद है वो थोड़ा सा टाइम यानी कि 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेती है। तो ये देखिए मैंने इसे अभी रहने दिया है इसी ऑयल में और इसे भी मैं अलट पलट करके इसे थोड़ी सी क्रिस्प और कर रही हूँ। और ये फ्रेंड्स ऊपर से तो क्रिस्प लगेगी ही जब आप खाओगे बट अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे दूसरी भी हमारी जो पानी में पकी हुई जो पकौड़ी थी वो भी अच्छे से यहाँ पे पक गई है। और ये देखिए जो हमारे बाएं हाथ में है वो है स्टीम्ड और जो हमारे दाहिने हाथ में है वो है नॉर्मल जो हमने पानी में पकाया था। बस दोनों में अंतर और दोनों का आप देख सकते हो लुक थोड़ा सा चेंज है बट टेस्ट में दोनों माइंड ब्लोइंग है। आप कोई भी बनाओ या फिर दोनों बनाओ, मर्जी आपकी है, दोनों बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा पेज जयंती किचन क्वीन से ही है। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।